safari. Today we will do chapter numbers page number 14 question number 1. इसका एक पार्ट करें, ठीक है? पहले हम क्या करें क्वेश्चन में, write the following numbers in expanded form. इससे पहले आपने जो लेक्चर्स पढ़े उनमें आपने नंबर्स को फिगर्स में, नंबर्स थे उनको इन वर्ड्स में कैसे लिखते हैं आपने पढ़ा, इन वर्ड्स में थे उनको फिगर्स में कैसे लिखते हैं आपने ये पढ़ा, ठीक है? आज हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर को एक्सपेंड कैसे करें, ठीक है? तो नंबर को एक्सपेंड करने के लिए हमें उस नंबर में जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए, इसमें क्या है, फोर डिजिट्स की, ठीक है? इन फोर डिजिट्स के आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू पता चाहिए, यानी हर नंबर की एक वैल्यू है इसमें, ठीक है? तो वो आपको पता होना चाहिए. वो आप कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके 9 की प्लेस वैल्यू क्या है इस नंबर में, यूनिट. 3 की क्या है, टेंस. 8 की 100 और 6 की 1000, ठीक है? आप इस तरह छोटा छोटा पेंसिल से अपनी बुक में पढ़ लीजिए. अब ये नंबर क्या हो गया, 6839. अब इसको एक्सपेंड करके हम कैसे लिखें, हमारे पास यहाँ 5 कॉलम्स हैं, मैंने आपको बताया ये 10,000 का है, ये 1000 का है, ये 100, ये 10s और ये 1. अब इसमें हमारे फर्स्ट जो वैल्यू है वो 1000 की है, तो हम इसको इस वाले बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, 1000 का बॉक्स. तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1000, हमने यहाँ पे लिखा 6. अब क्या ये 6 आपको 1000 लग रहा है, नहीं, ये तो सिर्फ एक सिंगल नंबर 6 है, मगर इसकी प्लेस वैल्यू इस नंबर में क्या थी, 1000. तो अब इसको 1000 शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फोर डिजिट नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1000 में फोर डिजिट नंबर है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उतने जीरोस लगा देंगे ताकि हमें लगे कि ये क्या है, 6000, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 8, और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100. तो अब इसे हम 100 के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है? 8 लिखा और 100 में कितने डिजिट्स होते हैं, 3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 कर देंगे ताकि ये 3 डिजिट नंबर हो जाए और हमें लगे जो भी कोई देखे से तो पता हो उसे क्या है, 800. नेक्स्ट क्या है आपके पास, 3 को एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, 10s की कॉलम में लिखेंगे 3, और 10s में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 2. तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा, सही. नेक्स्ट आपके पास क्या है, यूनिट मींस 9 को हमें यूनिट के पास दे देंगे, और 9 हमारे पास एक ही नंबर होता है, ठीक है? यूनिट में हमारे पास एक ही नंबर होता है, एक ही डिजिट होता है, तो इसमें हम उसको 9 को सिर्फ ऐसे ही. नेक्स्ट इसका जी पार्ट में करवा रही हूँ, सही है? जी में देखिए कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 5, और 5 डिजिट्स किसमें होते हैं, 10,000. तो इसको कैसे रीड करेंगे हम, फर्स्ट हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं. 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट. 3 की टेंस. 4 की 100. 0 की 1000 और 5 की 10,000, ठीक है? अब इसको कैसे रीड करेंगे, 50,437. अब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, 5 की प्लेस वैल्यू है 10,000, हमने यहाँ 5 लिखा, और इसको 10,000 शो कराने के लिए हमें इसको 5 डिजिट लिखना पड़ेगा, तो हम कितने जीरोस लगा देंगे, 4 जीरोस. और जब भी हम 10,000 लिखते हैं तो जब 1000 के बाद और 1000 और 100 के नंबर के बीच में थोड़ा सा गैप आता है, उसको गैप कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है 0. 1000 है इसकी प्लेस वैल्यू, इसको हम 1000 कॉलम में लिखेंगे और 3 जीरोस है, ठीक है? क्योंकि 1000 में कितने डिजिट होते हैं, 4 डिजिट, तो हमारे ये 4 डिजिट नंबर है. इसमें 4 की वैल्यू क्या है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4, और 4 की वैल्यू क्या है, 100. 100 को हम लिखेंगे 100 के कॉलम में, और 100 में कितने डिजिट होते हैं, 3, तो हम
टू जीरो लगा दी। नेक्स्ट वर्ड है थ्री, और थ्री की बेस वैल्यू क्या है, टेंस, यानी मींस थ्री को टेंस की कॉलम में लिखा, और टेंस में कितने डिजिट होते हैं, टू, तो यहां पे इसके आगे हम एक जीरो लगा दें। सेवन है, सेवन की बेस वैल्यू क्या है, यूनिट, और यूनिट में वन डिजिट होता है, इसलिए हम इसमें जीरो नहीं लगे। इसका नेक्स्ट पार्ट है जे, जे में आपके पास देखिए कितने डिजिट है, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी फाइव डिजिट्स हैं। इसकी पहले हम यहाँ पे बेस वैल्यू लिख लेंगे, यूनिट, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, फर्स्ट डिजिट क्या है नाइन, और नाइन की बेस वैल्यू क्या है टेन थाउजेंड, इसको हमने टेन थाउजेंड की कॉलम में लिखा, और इसको नाइनटी थाउजेंड है ना, इसकी बेस वैल्यू यहाँ पे क्या है 90,000, तो अब यहाँ पे कितने जीरो लगाएंगे हम, फोर जीरो, ताकि शो 90,000, और थाउजेंड और हंड्रेड के बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैप लिखेंगे, सही है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ जीरो, और जीरो की बेस वैल्यू है थाउजेंड, उसको हमने थाउजेंड के कॉलम में लिख दिया, ठीक है, और थाउजेंड में कितने डिजिट है फोर, तो जीरो के बाद थ्री जीरो और डबल। नेक्स्ट हमारे पास अगेन जीरो है, और इस जीरो की बेस वैल्यू क्या है हंड्रेड, इसको भी हमने हंड्रेड के कॉलम में जीरो लिखा, ठीक है, और हंड्रेड में कितने डिजिट होते हैं थ्री, तो थ्री जीरो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सेवन, और सेवन की बेस वैल्यू क्या है टेंस, और टेंस में कितने डिजिट होते हैं टू डिजिट, अब सेवन लिखेंगे और हम एक जीरो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सिक्स, और सिक्स की प्लेस वाली क्या है यूनिट, तो सिक्स हमारे पास अकेला है, ठीक है, ये यूनिट में हमारे पास वन डिजिट होता है, इसलिए वन डिजिट हमने यहां। अब इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे अपनी बुक में, बिल्कुल इसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहे हैं, बस लुक एट दीस एक्सपेंडेड फॉर्म देन राइट द नंबर्स। हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास एक नंबर दिया हुआ था, उसको हमने एक्सपेंड किया, अब इसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी भी है, हमें एक नंबर लिखे, फर्स्ट देखिए क्या रहेगा, बस 7000, देन 300, देन 10 एंड 6। अब आप देखिए जरा पूरी फिगर को गौर से, या देखिए 1000 दिया हुआ है फोर डिजिट, 100, यू टेंस और यूनिट, यानी 7000 है, तो 7 को 7 को हम 1000 की बेस वैल्यू में लिख देंगे, 300 है देखिए तो 3 को 100 की बेस वैल्यू में लिख देंगे, 10 जो है 10 है तो आप इसको 1 को जो है 10 की बेस वैल्यू में लिख देंगे, और 6 क्या है यूनिट, तो उसको यूनिट की बेस में, फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, रफ फॉर्म में इन सबको ऐड करेंगे, कैसे, 7000, ठीक है, 300, 10 और 6। इस बात का ख्याल रखेंगे कि यूनिट के नीचे यूनिट, 7000 का यूनिट क्या है 0, 300 का यूनिट क्या है 0, 10 का यूनिट क्या है 0, और 6 तो ऑलरेडी यूनिट है, तो इन सबको एक सीक्वेंस है, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, ठीक है, पूरे इसको सीक्वेंस में इस तरह से लिखेंगे। अब इसको ऐड कर लेंगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 3 3 और 7 ऐसे। तो अब हमारा आंसर क्या है, 7316। अब इसको हम डायरेक्टली करें देखें, 7 में यदि ये 7000, यानी 7 की प्लेस पर लिख दिया 1000, तो हमने 7 को लिख दिया 1000 की जगह पे, 300 यानी 3 की प्लेस पर लिख दिया 100, 1000 के बाद क्या आता है 100, तो 3 लिख दिया हमने, 10 10 में से 1 की प्लेस पर लिख दिया 10, तो हमने 1 लिख दिया, और ये 6 क्या है यूनिट, ठीक है, देखिए यही आंसर आ रहा है मेरा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और इसको रफ वर्क में भी करें, तो आप कोशिश करें कि रफ वर्क में इसको कर लें, ताकि आपको आंसर जो आपका जो है
ठीक है। इसमें हमारे पास देखिए फर्स्ट वाले क्या है, फाइव डिजिट, फाइव डिजिट नंबर किसमें होते हैं, 10,000 में, मीन्स 40,000, 2,000, अब 100 की जगह पे क्या है, जीरो है, और 90 प्लस 9। अब इसको ऐड करने के लिए फोर की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000, टू की प्लेस वैल्यू क्या है, 1,000, 100 की जगह पे क्या आपके पास जीरो, 10 की जगह पे 9, और यूनिट की जगह पे 9। इसको हम ऐड करके भी देखेंगे, 40,000, 2,000, 0, 90 और 9, ऐड कर लिया आपने, 9, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 9, 0, 2, 4। देखें क्या आंसर आ रहा है, 4,200,99। हम यहां पे भी करके देख लेते हैं, 40,000 यानी 10,000 के आगे आ गया 4,000 की प्लेस वैल्यू पे 2, ठीक है, 100 पे 0 दिया हुआ है, अब 100 हम थोड़ा सा गैप के साथ लिखेंगे, ठीक है, 10 की जगह पे 9 और 1 की जगह पे भी 9। देखिए यही आंसर आ रहे हैं आपके लिए भी, दोनों आंसर सेम आ। इसके अब बाकी पार्ट आप लोग खुद से करेंगे।